प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव में सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग के सदस्यों की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में रोजगार मेले में अपने संबोधन में कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्य की विकास परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दे रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में आगामी विधानसभा और अन्य चुनावों को लेकर पार्टी महासचिवों की दिल्ली में बैठक बुलाई है। हैदराबाद में दवाओं की गुणवत्ता विषय पर आयोजित दो दिवसीय चिंतन शिविर में आज योग सत्र का आयोजन किया गया। इस शिविर की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कर रहे हैं। नई दिल्ली स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश की चिंता नहीं करनी चाहिए। पटना के दरियापुर में रक्तदान शिविर का उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि केंद्र सरकार की राशि से बिहार में नल जल सहित कई योजनाओं का कार्य हो रहा है। बिहार के पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि राज्य की बिगड़ती कानून और व्यवस्था का मामला वे आगामी विधानसभा सत्र में उठाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रोहतास में केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से आयोजित दो दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का समापन हो गया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का फाइनल मैच आज केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा।